Hello dear students, I will hope you fit and fine. Before start the AV, let's take our breath. I still recommend to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and case other to follow the key COVID approachable behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance for 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and butter. Together we will win this fight against COVID-19. Thanks. Today we will start lesson number 9, साखियां बाबा नानक जी दिया। ठीक है, आपां ने पहले बुक वर्क किसी पिछली असाइनमेंट बुक रीड की थी, बुक वर्क करे सी, फिर अज आपां ने क्वेश्चन आंसर करने, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, गुरु नानक देव जी सिख जी किसन बाप को नौकरी कर सर। आंसर, गुरु श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी विखे नवाब दौलत खान के मोदी खाने नाच तोलन की नौकरी करते सन। सैकेंड क्वेश्चन, गुरु जी की कह के गरीबा विच नाच बनते। आंसर, गुरु जी तेरा तेरा कह के गरीबा विच खूब अनाज बढ़ते सन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुरु जी ने अपने भणोइए जयराम नूं की कहा। आंसर, गुरु जी ने अपने भणोइए जयराम नूं कहा, मैं तां लोड़वंदां नूं अनाज दिंदा हाँ, मैनूं तां हरेक बंदे विच रब नज़र आउंदा है। क्वेश्चन नंबर फोर, गुरु जी नूं अकाल पुरख वल्लों की संदेश मिलिया। आंसर, गुरु जी नूं अकाल पुरख वल्लों लोक कल्याण का संदेश मिलिया। फाइव, गुरु जी ने भैन नानकी नाल की वादा किया। आंसर, गुरु जी ने भैन नानकी नाल वादा किया कि जद भी याद करेगी वह हाजिर हो जाएंगे भावे वो कितने भी हो। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है सिक्स, गुरु जी ने बुरा भला कहने वाले लोगों बस दे रो क्यों कहा। आंसर, गुरु जी ने बुरा भला कहने वाले लोगों बस दे रो इसलिए कहा क्योंकि वह किसी होर जगह पर अपनी बुराई ना फैला सकन। क्वेश्चन नंबर सैवन, बाबा नानक जी दियां खरियां खरियां गल्लां दा बाबर उत्ते की असर होया। आंसर, बाबर उत्ते जो बाबा नानक दियां कहियां गल्लां दा एहसास होया तां उह आप उन्हां दे चरणी विच जाके ढह गया ते माफियां मंगण लगा। क्वेश्चन नंबर एट, बली कंधारी कित्थे रहिंदा सी। आंसर, बली कंधारी हसन अबदाल दियां पहाड़ियां विच इक कुटिया बना के रहिंदा सी। क्वेश्चन नंबर नाइन, गुरु जी ने मरदाने नूं बली कंधारी कोल भेजदे समें की कहा। आंसर, गुरु जी ने मरदाने नूं बली कंधारी कोल जाण ते उस कोल पानी पी के उस कोल जाके पानी पी के आवे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन, बली कंधारी ने मरदाने नूं की कहा। बली कंधारी ने मरदाने नूं कहा, उंज तां तेरा बाबा नानक अपने आप नूं उच्च दा पीर दसदा है, वह तैनूं पानी भी नहीं पिला सकता, जां उस नूं कह के जे उस विच माड़ी मोटी भी शक्ति है तैनूं पानी पिलावे। ठीक है, अगे उन्हें टेन शॉर्ट क्वेश्चन आते फिर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु नानक देव जी की वेरी नदी वाली साखी का वर्णन करो। आंसर, गुरु गोबिंद सिंह जी वेरी नदी में इशनान करने गए, आपने अजिही चुप्पी लगाई कि तीन दिन पानी में अलोप रहे, जो तीजे दिन बाहर निकले तो आप जी ने अकाल पुरख वलों लोक कल्याण का संदेश मिल चुका सी। आप जी ने सारे दुनियावी काम छड़ दिए थे, लोक कल्याण लिए तुर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सैकंड, गुरु नानक देव जी ने सुल्तानपुर वाली संगत नूं की उपदेश दिता। आंसर, गुरु नानक देव जी ने सुल्तानपुर लोधी वाली संगत नूं यही उपदेश दिता कि अकाल पुरख हत्थी किरत करन वालियां तों बहुत खुश हुंदा है, जिहड़े हत्थी किरत करदे हन ते उहनां दा नाम जपदे हन उही उहदे सच्चे भगत हन, दूजा नेक कमाई विच परमात्मा दे नां ते कुछ ना कुछ जरूर कर दिंदे उस नूं गरीबां विच बंड दिंदे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मरदाने वालों उजड़ जाओ तो बसते रहो बारे पूछण ते गुरु जी ने की कहा। आंसर, गुरु जी ने कहा, मरदाने जिन्हां लोगों ने साडी सेवा की उन्हां नूं मैं इस करके उजड़ जाओ कहा ता कि वह जिथे भी जान चंगियाई खिलारनगे, अरे जिन्हां लोगों ने सानू बुरा भला किया उन्होंने मैं इस करके बसते रहो कहा ता कि किसी होर जगह पर जाके अपनी बुराई ना खिला सकन। क्वेश्चन नंबर फोर, श्री गुरु नानक देव जी की रची हुई बाणी कितने दर्ज है। आंसर, बाबा नानक जी के उपदेश दर्शाते होर भी बहुत सारिया साखियां हैं, जिमें सज्जन ठग कौडे रस मलिक भागो वाली साखी, गुरु जी ने सब नूं उपदेश नाल तार दिता, आपने बहुत सारी बाणी की रचना की, आपकी रची बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है।
हाँ जी, इस तो बाद अपने क्वेश्चन से कंप्लीट हाँ। लॉन्ग क्वेश्चन ओनली 4 हाँ, सो लगा दे बाबा विच वरतू। फर्स्ट है अनाज। हर एक इंसान को अनाज की बहुत लोड़ है। शिकायत, नवाब ने बाबा नानक की शिकायत की। लोड़वंद, गुरु नानक देव जी लोड़वंदा विच अनाज वंडते सन। इशनान, गुरु नानक देव जी बेरी नदी विच इशनान करन लई गए ते तीन दिन अलोप रहे। कल्याण, गुरु जी नू बेरी नदी विच अलोप रह के लोक कल्याण का संदेश मिलिया। वादा, गुरु जी ने बीबी नानकी नाल वादा किया कि वह जदों भी बुलाएगी मैं आ जावांगा। स्वार्थी, दुनिया विच स्वार्थी लोगों का दूर रहना चाहता है। जालम, बली गंधारी एक जालम सी। एहसास, बाबा नू अपनी गलती का एहसास हो गया। दरवेश, गुरु नानक जी एक दरवेश सन। मतलबी, सानू मतलबी लोगों को हमेशा दूर रहना चाहिए है। बर्दाश्त, गुरु नानक देव जी बाबर के जुर्मा बर्दाश्त ना कर सके। हाँ जी बेटा, इस तो बाद हम आप करते हैं अपना शब्द अर्थ रहने अपने इस लैसन के। इस तो बाद असं कंप्लीट है बेटा अपना। हाँ जी बेटा, अपने हम शब्द अर्थ करने हैं। मोदी खाना, मोदी खाना मतलब अनाज भंडार। अनाज का मतलब होता अन्न कणक मक्की आदि। लुटाई जा रहा है, एवें ही दे जा रहा है। शिकायत की, गिलत किया जा, विरोध कर विरोध में रहना। लोड़वंद मतलब जरूरतमंद लोगों, चुप्पी मतलब डुबकी लगानी, अलोप रहना, किसी को विखाई ना देना, लोग कल्याण लोगों की भलाई लिए। अकाल पुरख मतलब परमात्मा रब प्रभु, ठीक है। संदेश देना, स्नेहा, दुनिया भी संसारिक दुनिया के भटके भटकी हुई मतलब गुमराह हुई। वादा मतलब इकरार करना। संगत मतलब प्रभु प्रेमी सज्जन। मना करना, रोक देना। हथी अपने हाथों किरत काम। नेक सच्ची सुची। दुआवां मतलब असीसा, मेहरबान दुनिया दयावान जां कृपा करन। उपदेश सिक्ख्या, धन धन हो गए, निहाल हो गए। स्वार्थी खुदगर्ज। सबर मतलब सहनशीलता। इंसाफ मतलब करना, निंदा करना हुंदा है। भेद अंदरली गल। चंगियाई मतलब अच्छाई, भलाई, दार्शनिक आदर्श भरपूर। समाजवादी, समाज का भला चाहने वाले। क्रांतिकारी हुंदे हैं। इनकलाबी, हिम्मत मतलब हौसला। असह, ना सह सकन वाली। अकह, ना कह जान वाली। जुर्म मतलब अत्याचार करना किसी पर। बर्दाश्त मतलब सहन करना। एहसास दवाना, जाणू करवाना किसी नूं। खरियां खरियां मतलब सच्चियां। ढह पिया, डिग पिया। खार खाता होना, ईरखा करता होना, ठीक है। नैक्सट है बुरे हाली, थक्या टुटिया। गाथा कहानी विच, गाथा कोई हुंदी है कहानी। भरिया पिता, गुस्से होया। लीन मन मगन, रौला शोर। महान, महानता बढ़ियाई। तंग मतलब करना खुशी जां परे, दुखी जां परेशान। माण होना, हंकार होना, दर्शाउंदियां वर्णन करदियां साखियां मतलब सच्चियां कहानियां, ठीक है। हाँ जी बच्चे, हुण अपने लैसन कंप्लीट है। इस लैसन तुसीं क्वेश्चन आंसर मार्क बनाओ, अपनी नोटबुक ते नोट डाउन करने हैं। अच्छे तरीके ना सोहनी सोहनी हैंडराइटिंग करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।